स्वागत है समुद्र नगरी में। और कुछ विशेष बात करना है इस फील्ड के बारे में। देखो भाई, फील्ड में जाने का आपने अगर तय कर लिया है तो वेलकम, स्वागत है, वेलकम ऑन बोर्ड। ठीक है, ऐसा टर्म यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ऑन बोर्ड मतलब आप फ्लाइट में हो या फिर शिप पे, दोनों को ऑन बोर्ड बोलते हैं जब हम लोग उसमें चले जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपने फैसला कर लिया है इस फील्ड में जाने का, तो ध्यान रखो कुछ चीज़ें। सबसे मेन, आप कोर्स सेलेक्ट कर रहे हो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। कोर्स तो सभी अच्छे हैं वैसे, लेकिन आप रेटिंग में जाना चाहते हो या कैरेट में, वो आपके ऊपर फैसला है। दोनों में से आप चूज़ करो। अब ये दोनों के कॉलेजेस कितने भारत में हैं वो देखो, और जितने भी हैं, ज़रूरी नहीं सब ठीक ही हो, क्योंकि पढ़ाई करा के डॉक्यूमेंट तो सभी दे देना आपको, लेकिन स्पॉन्सरशिप या प्लेसमेंट भाई कहाँ अच्छा है वो चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, अब उसके लिए चाहे आप कौन सा भी कोर्स में एडमिशन ले रहे हो, चाहे वो DNS हो, BSc हो, BTech मरीन इंजीनियरिंग हो, या GP रेटिंग हो, सभी के लिए ध्यान रहे कॉलेज वही जहाँ से प्लेसमेंट सबसे बढ़िया। नहीं तो भाई टाटा बाय बाय बोलो उस कॉलेज को, मेरे तरफ से ऐसा बोलना रहेगा। क्योंकि पढ़ाई के बाद आप जो परेशान होने वाले हो, एजेंट के आसपास, RPSL ऑफिस, RPSL मतलब कि जो हमारे रिक्रूटमेंट प्लेसमेंट जो एजेंसीज होती हैं, जिन्होंने भारत सरकार ने जिसको लाइसेंस दे रखा हुआ है हमें भेजने का जहाज़ पे, ठीक है, उनकी बात कर रहा हूँ। तो बाद में पढ़ाई करने के बाद बड़ा मुश्किल हो जाता है नौकरी के लिए, फिर बहुत भटकना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए कुछ चीज़ें फील्ड में जाने से पहले ध्यान रखना भाई। अच्छा, और दूसरी चीज़, लैंड वर्क नहीं है, शिप पे हैं, तो आप रोज़ घर पे आ जा नहीं सकते हैं, तो ये भी ध्यान रख लो। एक बार आप शिप पे जाओगे तो 6 मंथ या 8 मंथ आप ऑन बोर्ड ही रहते हो। ठीक है, तो इतना आदत डाल लो दिमाग में कि भाई घर से, फैमिली से दूर अगर जो बहुत ज़्यादा नहीं रह पाते हैं, तो वह भी फील्ड में एंटर मत करो। क्योंकि कुछ लोग मेरे भी आसपास जान पहचान वाले हैं जिन्होंने फील्ड को 1-2 साल में छोड़ा है, जस्ट बिकॉज़ कि वो ज़्यादा दूर तक, इतने दिन दिन तक नहीं रह सकते हैं अपनी फैमिली से। देखो होता है, ज़रूरी नहीं, मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ। कुछ लोग होते हैं कि भाई आराम से रह जाते हैं, लेकिन कुछ होते हैं कि फैमिली इसके साथ ही रहना उनको अच्छा लगता है। तो भाई जिनको जिनको वैसा है कुछ इशू अंदर से कि हम बिना परिवार के नहीं रह सकते हैं, या 1-2 साल का सिर्फ ऐसा जोश में एंटर मत करो यार, पूरा फ्यूचर है, ज़िंदगी देख के एंटर करो, क्योंकि आगे चल के आपकी शादी होने वाली है, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, अभी तो बहुत सारी चीज़ें सोचना है। ठीक है, तो एंटर करने से पहले फैसले लो। ये नहीं कि पढ़ाई कर लिया फिर बाद में एकदम से अचानक से डिसीजन, अरे यार नहीं, बहुत दूर है, इतना दिन, 6 महीना 8 महीना पानी में रहना है, कैसे क्या होगा। तो इसलिए पहले यार, पहले सोचो, फैसला पहले लो। ठीक है, और कॉलेज अच्छा चूज़ किया आपने, 6 to 8 month पानी में रहने के लिए दिमाग को एकदम रेडी करो। ठीक है, क्योंकि इस 6 महीने 8 महीने में आप देखो ज़्यादा इंटरनेट हमें मिलता नहीं है, थोड़ा बहुत ही इंटरनेट मिल पाता है, तो उतना ज़्यादा सोशल मीडिया हम नहीं चलाते हैं। क्योंकि नहीं चलाते हैं उसका ये रीज़न है कि हमें लिमिटेड डेटा मिलता है। लिमिटेड मतलब कि आपको मंथली सेटेलाइट इंटरनेट है ये, तो बड़ा एक्सपेंसिव होता है भाई। तो 1 GB 2 GB तो फ्री होता है कंपनी की तरफ से, उसके बाद आप अगर जितना चलाओगे तो बहुत एक्सपेंसिव होता है। जैसे 1 GB $20, $20 मतलब इस समय लगभग 8 to 16 कर दे तो 1600 रुपये के आसपास, 1500 से 1600 में 1 GB आपको मिलने वाला है। तो जाहिर सी बात है, आप इतना सोशल मीडिया तो यूज़ नहीं करोगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करोगे कि जितना कंपनी दे रही भाई उतने में हम काम चलाए। ठीक है, इसके लिए कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर यूज़ नहीं कर पाते हैं हम लोग। ठीक है, ऑनलाइन ज़्यादा टाइम नहीं हो पाता है, फैमिली से दूर हैं, तो मेंटली फिजिकली उतना प्रिपेयर करो खुद को इस फील्ड में अगर जा रहे हो, तो ये चीज़ें पहले करो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जाने के बाद फैसला करते हैं। कुछ मेरे एकदम क्लोज आसपास वाले हैं जिन्होंने GP रेटिंग किया, उसके बाद फील्ड को छोड़ा, DNS किया है, उसके बाद फील्ड को छोड़ा है, कुछ तो 18 मंथ कंप्लीट कर लिए हैं, कैरेटशिप उन्होंने कंप्लीट कर ली है, और जब सेकेंड मेट ऑफिसर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसके बाद भी उन्होंने छोड़ दिया है। ऐसे भी मेरे जान पहचान के लोग हैं। ठीक है, तो बस ध्यान रखो फील्ड में जाने से पहले खुद को ये सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर रखो। नमस्कार, जय हिंद।